लायंस क्लब के माध्यम से यहाँ पे चेंबू स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन के पास यहाँ पे एक मुहिम चालू की गई है। जिस तरह लोग मार्केट में आते हैं, कपड़े खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं, प्लास्टिक की पीसी यूज करते हैं, उसके जगह पे इस तरह के लायंस क्लब के बैग यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे गंदगी कम हो सकती है, प्लास्टिक जो यूज लोग करते हैं वो कम हो सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग ने ये मुहिम चालू की है, किस तरह इससे क्या लोगों का फायदा होगा। नमस्कार, पहले तो मैं लायंस क्लब की तरफ से RC रीजन 5 की तरफ से चेयरपर्सन हूँ, सरोज शर्मा। ये इस टाइम मेरी कमेटी स्वच्छ भारत है, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के लायनेस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, लायनेस उज्ज्वला जी और रीजन चेयरमैन आए हुए हैं, उषा जोशी जी और बहुत सी क्लब्स, चेंबूर क्लब, PRO हमारी नमिता मिश्रा जी और हमारे एक्टिविटी चेयरमैन मनेश्वर। इस तरह के प्रोग्राम की कितने जरूरी थे? हमें इसलिए किया है कि उसे नो टू प्लास्टिक बैग, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोज बैग, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि प्लास्टिक बैग जो हमारे हमारे पशुओं के लिए खराब है, हमारे सीवरेज के लिए खराब, मतलब ब्लॉकेज करते हैं, कई बार हम लोग उसमें खाना डाल देते हैं तो पशु खा के उनके पेट में प्लास्टिक के साथ ही खाना जाता है, जो कि हमें बहुत दुख होता है कि जब उनका ऑपरेशन होता है तो 80-80 किलो खाली प्लास्टिक के बैग निकलते हैं। और मेरा यही मैसेज होगा सबको कि अगर आप खाना भी कहीं डालना है तो अगर बाई चांस प्लास्टिक बैग है तो ओपन करके या पेपर बैग में या जमीन पे डालें, ताकि कहीं देखा जाए तो इस तरह के बैग यूज करने से काफी लोगों को एक सहायता मिल सकता है और जो गंदगी होती है उससे छुटकारा मिल सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग ने इस मुहिम में किस तरह सोचा कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? ये हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, तो हम लोग इस तरह के मुहिम आए दिन करते रहते हैं, ये नया नहीं है। सरोज जी ये पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों से इसी कार्य से जुड़ी हुई हैं और हर साल ये काम कर रहे हैं। हम लोग भी दीवार पे पेंटिंग करके स्वच्छ भारत अभियान के मैसेजेस लिखते हैं, जिससे लोग दीवार भी साफ रखें और उसको भी करें, और इसमें हम सबको इन्वॉल्व, वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल। ऐसा नहीं है लोगों को मालूम नहीं है, बट वो लोग रोज बार बार देखेंगे उन चीज़ों को तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से मुहिम है, लोगों की एक अवेयरनेस जगाने की चर्चा चल रही है, लोगों की जो ये मुहिम है ये काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आपका क्या कहना है? चेंबूर के मार्केट प्लेस में हम लोग ने ये अभियान चालू किया है सरोज शर्मा के माध्यम से, ये सब लोग यहाँ देखें और वो भी जाके अपने घरों में अपने नेबर्स में जाके बताएं कि प्लास्टिक यूज मत करिए, सिर्फ पेपर बैग या कपड़े की बैग यूज करिए। कपड़े की बैग के लिए हम लोग ने फ्री कपड़ों की बैग यहाँ पर 100 मात्रा में लेके आए, आजू बाजू के लोगों को दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये वो बैग इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कभी भी ना करें। धीरे धीरे आगे चल के लोग प्लास्टिक भूल जाएंगे और कपड़े की बैग का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के कपड़े के बैग यूज करने से काफी लोगों को एक सहायता मिल सकता है, जो सफाई की बात करें या प्लास्टिक की बैग की बात करें तो काफी इसमें जो लोग गंदगी फैलाते हैं उस तरह उसे रोका जा सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक भूमिका होती है मुंबई पुलिस की, और हमारे साथ चेंबूर पुलिस स्टेशन के एक ऐसे मैडम है जो काफी नामचीन है, लोग काम करने में काफी माहिर है। आइए उनसे भी चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे मैडम इस तरह का जो प्रोग्राम रखा गया, अवेयरनेस लोगों को जो बैग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये कितना जरूरी है? नहीं, ये अभी तो सबको अवेयरनेस की तो जरूरत है ही है, बॉम्बे में काफी लिटरेसी है इसलिए लोगों को अवेयरनेस के बारे में मालूम है। जहाँ तक कि पोल्यूशन कंट्रोल है तो ये पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन, और पोल्यूशन में जैसे साउंड पोल्यूशन के लिए अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिए है, वैसे कायदा भी बना है, तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक ये मुहिम है, तो ये अच्छी बात है और इसको इनडायरेक्टली इट विल हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस एज वेल एज क्लीनिंग ऑफ द सिटी, ये भी अच्छा होगा जहाँ पे ड्रेनेज नाले और आगे आने वाली जो मानसून है उसको हम पहले ही बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं शालिनी जी का कहना है कि जो ये मुहिम है काफी अच्छा है, इस तरह अगर लोग इस पे गौर करते हैं और लोग इस पर काम करते हैं तो लोगों के अंदर जो सफाई है, जो रोड की सफाई है, जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, जो गंदगी होती है उसे रोका जा सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं जो लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस तरह का प्रोग्राम कितना जरूरी था? मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोग्राम की सतह जरूरी है, हम हमेशा देखें कि प्लास्टिक को रिन्यू होने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, और इसी
प्लास्टिक हमें सतह जानवरों के जैसे काव या फिर फिश रहते हैं उनके पेट में मिले जाते हैं, उसी जगह पे अगर क्लॉथ बैग यूज़ करें हम लोग तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। सरोज आंटी ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से कर रही है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ऐसे ही अगर मेरे ख्याल से 100 सरोज आंटी हो जाए तो मुंबई का नक्शा बदल जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिलायंस क्लब के माध्यम से काफ़ी लोगों की जो सहायता करने की जो मुहिम होती है वो की जाती है। मेडिकल कैंप हो गया, सफाई अभियान हो गई, या तो अगर ब्लड की डोनेशन की बात की जाए तो रिलायंस क्लब के माध्यम से काफ़ी होता है। और इस तरह के प्लास्टिक पिसवी जो कपड़े की जो पिसवी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने से कहीं ना कहीं गंदगी को रोका जा सकता है, प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसे रोका जा सकता है। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? देश को स्वच्छ बनाने के लिए जो अभी प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें स्वच्छ भारत का एक ही ये मेन मुद्दा है। कचरा बोलते हैं कचरा मत फेंको, पर जब तक इंसान खुद नहीं समझेगा तब तक कचरे का कोई इलाज नहीं होएगा। और दूसरे विदेशों से तुलना कर रहे हैं, विदेशों से और देश में सिर्फ एक ही फर्क है सफाई का। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा सफाई अगर इंडिया में हो जाए तो इंडिया का नाम सबसे बड़ा वर्ल्ड में नाम हो जाएगा, ये मेरी इच्छा है। भाई हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है? हाँ, ये लायंस क्लब के 100 साल पूरा हो रहे हैं, इसके लिए हमने सफाई अभियान का जो काम चालू किया है इसमें प्लास्टिक की थैली बैन करके ये कपड़ों की थैली सब लोगों को वापरने के लिए बोल रहे हैं, जिससे अपना को बीमारियां कम हो और प्लास्टिक का यूज एकदम कम करना है। लायंस क्लब के माध्यम से काफी मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में और महाराष्ट्र मुंबई में। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या कहेंगे। आप महिला हैं, आप लोग कितना बजट के इसमें हिस्सा ले रहे हैं? हम सब लायंस हैं, हम लायंस का नाम करने के लिए और हमारे पंत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है स्वच्छता अभियान उसमें बढ़ चढ़ कर हम अपना हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो बैन कर रहे हैं हम प्लास्टिक बैग्स, उससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो गंदगी कम होगी और दूसरे हमारे पशु पक्षी जो ये उनके खाने में प्लास्टिक में खाना डाल के हम देते हैं तो प्लास्टिक के साथ वो खा लेते हैं और वो उससे बचेंगे और उनको कुछ बीमारियां होने से वो बच जाएंगे। ये हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरुआत की थी स्वच्छ भारत अभियान, और उसके ऊपर लायंस क्लब के माध्यम से काम किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की जा रही है। इस तरह कपड़े के बैग को देखकर लोगों को जो प्लास्टिक की पिसवी यूज करते हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे रोड पे लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं और उससे गंदगी फैलती है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CA News मुंबई।